हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हेलो सर, हेलो सर, आई एम आल्सो फाइन। इन आवर लास्ट सेशन वी स्टडीड अबाउट द ज्योमेट्री, वी स्टार्टेड द ज्योमेट्री चैप्टर। क्यों? यस सर, ज्योमेट्री के बाद डिस्कशन हुआ था। टुडे वी आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वी आर सपोज टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1, but before moving on the exercise part, also in the last session also we had a unit test. तो unit test के लिए मैंने आपको link भेजा था, आप लोगों ने unit test भी दिया था, तो उसमें आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। Yes. और कहता कि आप यूनिट टेस्ट सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं, कोई दो बार तो नहीं दे पाया, ऐसा पॉसिबल हुआ था कि नहीं? दोबारा कोई आंसर ही ना कर पाए। शानिका, टुडे अगेन यू आर लेट। शानिका बेटा, आज फिर आप लेट है। मैं आपको प्रेजेंट नहीं ऐड किया हूँ, आपको लेट ऐड किया हूँ। मुझे पता था आप आओगी, लेकिन लेट आज फिर आप लेट हो, 10 मिनट लेट हो, 11 मिनट, 5 मिनट पहले ज्वाइन होने के बजाय आप 15 मिनट बाद ज्वाइन कर रही हो। शानिका आप बताइए, आप टेस्ट दिया था या नहीं? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप करोगे तो फिर कहां से आवाज जाएगी? मैं आपकी आवाज एक्सेप्ट नहीं करा सकता। आप 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, देन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन द ऑन टाइम, दैट मींस कि यू आर नॉट एबल टू, if you are not joining the, if you are not join at the time, then you are not liable to get the time, or you are not liable to take others time. आप जो 10 मिनट हुआ, जो चीजें बताई गई, उन सब चीजों को तो डिस्कस ही करने का कोई मतलब ही नहीं आपके सामने। आपका लेट होना तो आदत है। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, who submitted the test paper? सबसे पहले दिव्या जायसवाल। दिव्या बेटा, माइक ऑन करिए। ऑन है आपका। Yes sir. You have received 40 marks out of 50. बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बेहतर। It shows that कि आपने इसको सॉल्व किया है। 10 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए, आपको पता चला होगा कि कौन कौन सा रॉन्ग है। आपको देखा या नहीं क्या रॉन्ग हुआ था? सर देखे हैं सर, वो जो उन 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए, क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या बाद में देखने के बाद समझ में आ गया? सर देखने के बाद समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन समझना हो तो आप पूछ सकती हो, मैं भी आज समझा दूंगा, आज नहीं तो कल समझा दूंगा, ये सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद। फिलहाल 40 आउट ऑफ 50, मैं ये मानता हूँ कि आपका मन लग रहा है, आपने मन लगा के एग्जाम दिया है, मन लगा के पढ़ाई किया है, बहुत अच्छे। अतुल चौहान, माइक ऑन करिए बेटा। अतुल चौहान प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, बट अतुल चौहान इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अतुल चौहान ने भी, बेटा इस टेस्ट पेपर, जो ये टेस्ट हुआ है, ये एक बार ही सभी लोगों के सामने आया है, दोबारा कोई ओपन तक नहीं कर पाया होगा, ऐसा है कि नहीं? यस सर। यस सर। बेटा इसमें अतुल चौहान ने 46। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि किसी को दोबारा तो मार्क्स, दोबारा कोई भी क्वेश्चन तो नहीं देखने का मौका मिला। पहली बार क्वेश्चन मिला, पहली बार में आपको सेलेक्ट करना है, दोबारा तो कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया होगा, ऐसा था या नहीं? यस बावजूद भी 46 मार्क्स पा गया, जब तक कोई सबमिट नहीं करेगा तब तक उसको सही गलत पता भी नहीं चलेगा, ऐसा है ना? यस सर। और इसके बाद भी अगर बच्चा 46 नंबर पा रहा है तो दैट मींस कि इसने कैलकुलेट किया है, मेहनत किया है, घर पे रख कॉपी यूज किया है, बहुत अच्छा। अतुल चौहान, वेरी गुड। अतुल चौहान अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अभी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है ड्यू टू द नेटवर्क, बट कोशिश में लगे हैं, ये दिख रहा है मुझे,
जुड़ना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट मनिंदा सुषमा, सुषमा माइक ऑन करिए। क्या आपकी हर बार की तरह इस बार भी परफॉर्मेंस आपकी बहुत खराब? कारण यह है इसके पहले जो टेस्ट थे ना वो आपने कभी भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं किए थे। आज का जो टेस्ट है वो भी आपने बहुत अच्छा नहीं सॉल्व किया। आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ये देखिए क्या लिखा है, जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे। सुषमा पढ़िए इसको। सुषमा मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, सुषमा प्रॉपर अब इधर उधर फोन कर दी, उनका डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क स्लो हो गया। देखिए 5 + 3 × 6, जब इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर आंसर नहीं लिख पा रही है, 48 आंसर कर रही है, तो आप समझ सकते हैं इसकी सुषमा की क्या हालत है। सुषमा कितना मन लगा रही है पढ़ने में, इतना ही नहीं अब इनकी बारी आई तो प्रॉपर कनेक्टेड थी, लेकिन जब इनकी बारी आई जवाब सवाल की तब ये गायब हो गई। अभी जब ये जुड़ेंगे तब मैं इनसे बात करूंगा। तब तक सुषमा की बात, देवंशी माइक ऑन करिए। अस्मित यदुवंशी, बाकी लोग माइक बंद रखिए प्लीज, आवाज ना आए। अस्मित फोन करिए। यस सर, यस सर। क्या ये 30 out of 50 ऐसा क्या क्वेश्चन था जो आपको समझ में नहीं आया? आपने यहाँ पे लगाया 0 सर, बॉड मास वाला। तो बॉड मास ही तो पढ़ाया गया सेकंड चैप्टर में, और आपको बॉड मास ही नहीं समझ में आया तो आपने पढ़ा क्या? आपने सारे एक्सरसाइजेस किसी के छापे थे क्या? सॉल्व नहीं किया था अपनी मर्जी से? होमवर्क दिए जा रहे थे, क्लास वर्क कराए जा रहे थे, तो उसमें क्या सीखा आपने? बॉडमास एट माइनस एट डिवाइडेड बाई एट, एट डिवाइडेड बाई लिखूं या डिवाइड का चिन्ह लगा दूं, क्या अंतर है कोई? देवांश अपना माइक बंद करिए, क्या कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं, बाकी लोग अपना माइक बंद रखिए, अस्मित के अलावा जिसका नाम लूं वही लोग माइक ऑन रखिए। अस्मित आप बताइए, क्या डिवाइडेड बाई लिखूं या डिवाइड का चिन्ह लगाऊं, क्या अंतर है? पूछ रहा हूं, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको ग्रुप से, क्लास से ही नहीं, मैं आपको ग्रुप से भी बाहर करूं, फिर आपके फादर के साथ आप स्कूल आइएगा तब मैं समझा करके तब इसको मैं आपको अंदर करूंगा। आपको लगता है कि आप उतनी दूर बैठे हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं आपका कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं जो कर सकता हूं मैं बिल्कुल करूंगा। आप स्कूल आएंगे तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप बोलेंगे मेरे सामने। आप बताइए डिवाइडेड बाई लिखूं या साइन डिवाइड का निशान लगा दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई अंग्रेजी में लिख दूं या हिंदी में लिख दूं या फिर उसका चिन्ह लगा दूं, क्या कोई अंतर है? क्यों अस्मित? सुषमा की तरह अस्मित का भी कनेक्टेड नहीं है अभी, वो मुझे क्लियर पता चल जाता है कि कौन कनेक्टेड है कौन नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि वो पीछे जो बैठे हैं पत्तियां हिलती हैं, पर्दे हिलते हैं, सब दिखता है, लेकिन अस्मित का फिलहाल प्रॉपरली वाकई नहीं कनेक्टेड है। फिलहाल अस्मित ने ही नहीं और भी लोगों ने गलत किया है, सुषमा ने भी गलत किया है, और ये कौन है, अनिल मौर्य ने भी गलत किया है, आकांक्षा ने भी गलत किया है, सौरभ कनौजिया तो 9 कर दिए। बेटा सौरभ जरा आप माइक ऑन करिए, 9 कैसे किया आपने? आप 48 बहुत अच्छे बेटा, ऐसे मैंने थोड़ा बोला कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। 13 मार्क्स सबसे हाईएस्ट नंबर, सुषमा से भी ज्यादा। सौरभ कनौजिया के लिए जरा ताली बजा दीजिए सभी लोग माइक ऑन करके, इनका मन आजकल बहुत पढ़ लग रहा है, बजा दीजिए सौरभ कनौजिया के लिए हाईएस्ट मार्क्स। बेटा सौरभ हाईएस्ट है ना, व्हिच इज द हाईएस्ट नंबर इन दिस मार्क्स? 48। कौन पाया है? अनुप्रिया। अच्छा सबसे कम कौन पाया है बेटा सौरभ, सबसे कम? सबसे कम कौन पाया है बेटा? मैं कुछ पूछ रहा हूं सौरभ, सबसे कम कौन पाया है? आपको लगा था जल्दी जल्दी मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूं, सारे आंसर दिखेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में छापूंगा, फिर उसी का आंसर रिप्लाई कर दूंगा अगली बार। इसी मैथ्स में नहीं, सारे टेस्ट ऐसे होने वाले हैं। मैं आपको अगली बार पढ़ाऊंगा नहीं, आपको ईमेल आईडी क्रिएट करना बताऊंगा, जितने लोगों की
जितने लोगों ने बहानेबाजी किया है कि ये नहीं साइन इन नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, बहानेबाजी किया है या वाकई नहीं कर पाए, मैं उन सबको पहले मैं ईमेल आईडी बनाना ही सिखाऊंगा और टेस्ट आपका ऐसे ही होगा। सौरभ फिलहाल आप बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं? कितने? 13। आपसे कम कोई पाया है या आप ही सबसे कम? आपने पहला क्वेश्चन था 5 + 3 × 6, इसमें क्या करना चाहिए? बॉडमॉस का चैप्टर था, बॉडमॉस में आप बॉडमॉस नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, क्या इसका आंसर होना चाहिए? कैसे आपने ये 48 किया? इसी से पता चल गया आपने कितना ध्यान से किया है, और इसी से नहीं, इससे जो 0 किए हैं 7 किए हैं, हो सकता है वो कंफ्यूज हो गया हूं, मैं क्वेश्चन ऐसे दिया था 8 - 8, कई लोगों ने क्या किया होगा, पहले 8 में से 8 माइनस किए 0, और 0 के 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, कई लोगों ने 0 लगाया। लेकिन जिन्होंने अकल लगाया, जिन्होंने थोड़ा सा ब्रेन यूज किया, जिन्होंने जेंटली क्वेश्चन को सॉल्व किया, दे हैव डिड, उन्होंने माइनस और ये डिवाइड है तो ये देखा कि माइनस करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे, तो 8 / 8 मींस 1, 8 को जब 8 से डिवाइड, पहले डिवाइड करेंगे ना कि माइनस करेंगे, 8 को जब 8 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 1, तो 8 - 1 = 7, दिव्या ने भी 7 लिखा है, अतुल ने भी 7 किया है, विकास वर्मा इज ऑल्सो हैज सॉल्वड 7, अनुप्रिया ने भी किया है, सचिन ने भी किया है, अमन ने भी किया, तनिष्का ने किया, बाकी लोग नहीं कर पाए। लेकिन बेटा ये 9 किस तरीके से आपने ले आए, जरा बताइए 9, ये 0 भी आ सकता था 7 भी आ सकता था, पर 9 कैसे आया, किस तरीके से आपने सॉल्व किया कि 9 आ गया? क्यों सौरभ, 9 तो बेटा 9 कोई ला सकता है, कौन 9 ला सकता है? ये आपका, अगर आप पहले ये करें फिर डिवाइड करें तब 0 आएगा, पहले डिवाइड करके फिर माइनस करें तो 7 आएगा, 9 तो आना तो संभव ही नहीं है, 9 कैसे ले आए? ये दिखाता है सौरभ आंख मून करके हर क्वेश्चन को बिना पढ़े केवल ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, इट इज शोइंग दैट इज वाई इन्होंने टॉप किया है। ये देखो ये टॉप पे है ना, 50 मार्क्स पा गए हैं 13 में से, बहुत सही, वेल डन, बहुत सही, बढ़िया, आप स्वयं ताली बजा दो, आपके साथी लोग आपके लिए ताली नहीं बजाएंगे, कोई बात नहीं। सुषमा के बाद अस्मित का हो गया, अस्मित, अस्मित एक बार अभी आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, माइक ऑन कर, अस्मित अभी कनेक्टेड ही नहीं थे, अस्मित, सुषमा आप लाइन पे आ गई बेटा, माइक ऑन करिए, सुषमा माइक ऑन करिए, क्या है ये 19, ये 48 कैसे आया? 5 + 3 = 8, 8 + 6 = 48, आपने ऐसे किया? क्यों सुषमा ऐसे किया ना, 5 + 3 = 8, 8 × 6 = 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 6 = 48, ऐसे किया है या नहीं? यस या नो सुषमा, बोलिए बेटा, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर आ रही है, लेकिन आपको जब बॉडमॉस पढ़ रही हो आपको पता है पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपका ऐड करेंगे, देर आफ्टर यू कैन सब्ट्रैक्ट, बट यू आर डूइंग लाइक दिस, व्हाट इज, व्हाट डू यू वांट टू से? यही आपको पढ़ाया गया है सेकंड चैप्टर, थोड़ा ध्यान से दीजिए, दोबारा एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा, दोबारा शेयर करूंगा फिर उसके बाद बताता हूँ। चलिए ठीक है, सुषमा का परफॉर्मेंस फिलहाल बहुत खराब रहा, 19 marks out of 50, ये 0 भी इन्होंने भी ऐसे किया, 8 में से 8 डिवाइड किया हो गया 0, 0 के 8 से डिवाइड किया 0 आंसर लिख दिया, ये नहीं समझ पाए पहले माइनस नहीं पहले डिवाइड किया जाता, जब इन्होंने इसको नहीं कर पाए तो ये तो दूसरी बात है, ये बॉडमॉस मतलब तो ये बॉडमॉस चैप्टर में प्लस माइनस कर रही है, प्लस माइनस भी, ये प्लस माइनस में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने कई बार बोला है कि चाहे प्लस माइनस बॉडमॉस लिखा रहे या ना लिखा रहे आपको बॉडमॉस हमेशा फॉलो करना होता है, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पहुंच गई, फिफ्थ में गलत हो रहा है, नवोदय का एंट्रेंस आ चुका है, रजिस्ट्रेशन होने लगा है, जब आप बॉडमॉस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ये सिंगल डिजिट वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो बाकी का क्या होगा, आप तो अपने घर वालों को बेवकूफ बना रही हो, साथ में मेरा भी समय खराब कर रही हो, हमें भी गलत साबित कर रही हो कि हमने पढ़ाया क्या, ये बच्चे को आता ही नहीं। चले नेक्स्ट, निहारिका वर्मा, निहारिका बेटा माइक ऑन करिए,
Where is Niharika? Connected है या नहीं? Niharika is not connected. As of now, network को लेकर के कुछ मुश्किलें होगी. फिलहाल निहारिका जिस तरीके से एक नई बच्ची ज्वाइन की है क्लास फिफ्थ को, बहुत हमेशा कोशिश में, उतना जब मैंने एडमिशन लिया था उस समय उतना बेहतर मुझे नहीं लगा था कि शायद कर पाएगी, बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू रीड द प्रॉपरली, उसके एक एक चीजों के अर्थ नहीं समझ पा रही थी. बट जिस तरीके से मेहनत कर रही है निहारिका, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो ज्यादा मार्क्स ये पाए ना 46, इन सारे बच्चों को टक्कर देकर के 4-6 महीने में बेहतर कर जाएगी. और टक्कर देके मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ जाएगी, इन लोगों के ग्रुप के, इन लोगों के साथ में बैठने वाले बच्चे हैं, और जब सारे बच्चे अच्छे रहते हैं क्लास अच्छी मानी जाती है. आपके साथी, आपके साथ जो पढ़ने वाले, उनके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी पढ़ने में अच्छे रहेंगे, तो आपको भी हो सकता है कुछ चीजें समझने का मौका हो, या कुछ हो सकता है ना आपको समझ में आया हो, आपने एब्सेंट किया हो, तो आप उनसे पूछ सकते हैं. तो निहारिका इज डूइंग वेरी गुड, 40 मार्क्स और लोगों से कम भले है, लेकिन निहारिका जिस तरीके से इसका पहला साल है बहुत अच्छा कर रही है. विकास वर्मा, विकास सर, 23-7 ये सारे क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आपके सही है, और भी क्वेश्चन आपने इसको भी माइनस बताया है, चलिए ठीक है, इसको भी किया है 35-7 14, 35 माइनस ये वाला भी क्वेश्चन आपने सही किया है, मतलब ये दिख रहा है कि आपने सॉल्व किया है, आपने सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके आपने कर दिया है. दैट इज व्हाई यू हैव सिक्योर्ड 36 बेटा, लेकिन आप 40 से प्लस, 40 प्लस आप भी तो ला सकते हो, आपने आप तो रेगुलर ज्वाइन होना शुरू किया. यस सर, एब्सेंट भर मत किसी दिन होया करिए, और सानिका की तरह 10 मिनट लेट आना छोड़ दीजिए, समय से ज्वाइन किया करिए आप भी 40. यस सर, ठीक है, चलिए फिलहाल अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बस ठीक है, मैं आपको गड़बड़ नहीं कहूंगा बट अच्छा भी नहीं कहूंगा. नेक्स्ट आपका अनिल मौर्य, माइक ऑन करिए. 21 क्या है? आपने फिलहाल क्लास ही नहीं पढ़ा है, पूरा पढ़ाया गया क्लास आपने ज्वाइन ही नहीं किया था, इस वजह से कम आना ही था, लेकिन क्लास फोर्थ में भी तो बॉटमोस्ट पढ़ाया गया था. 23 सही है, 0 आपके यहाँ पे रॉन्ग है. फिर आपका इधर देखते हैं, पता लगा ये भी 21 कर दिया, यहाँ पे भी किया, कई सारे क्वेश्चन आपके प्लस माइनस करने थे वही रॉन्ग हो गए, इसमें क्या कर दिया, 44 आपने किया है, ये भी रॉन्ग हुआ. चलिए ठीक है, आप एक बार दोबारा कोशिश करिए, कभी भी कोई क्लास ना एब्सेंट होने पाए, ये आपकी जिम्मेदारी है, परफॉर्मेंस सुधर जाएंगे. अनुप्रिया, अनुप्रिया बहुत अच्छे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 50 में 50 लेके आओ तब मानेंगे. दो क्वेश्चन आपके कौन से रॉन्ग हो गए फिलहाल? अनुप्रिया, which two questions were incorrect? बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी. निहारिका आपका डिस्कशन हो गया बेटा, आपने 40 मार्क्स सिक्योर किया है, बहुत अच्छा किया है, और लोगों के हिसाब से जिस तरीके से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 40 मार्क्स पाई, काफी खुश हूं मैं. ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत कर रही हो, जो पढ़ाया जा रहा है तो समझ रही हो, और आपने जो एग्जामिनेशन है, जो टेस्ट है, वो मन लगा के दिया है, कैलकुलेट करके दिया है, तो बेहतर है. ठीक है निहारिका, निहारिका आप सुन भी रही हो या मैं बस बोल रहा हूँ? माइक ऑन करिए. सुन रही हो ना? चलो ठीक है, आप इसको 40 से 40 प्लस लेके आइए. अनुप्रिया बेटा आपका आवाज नहीं आ रहा था, फिलहाल आपने मेरी आवाज जा रही होगी अब तक, आपने मित्र किया. आकांक्षा पांडे 32, आकांक्षा पांडे की भी स्थिति जब पिछले साल इन्होंने एडमिशन लिया था तो शायद बहुत मुश्किल था. 32 मार्क्स आकांक्षा का एक तरीके से प्रोग्रेसिव मार्क्स है, मैं इसको कम नहीं मानूंगा, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन खराब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, सुषमा की तरह या सौरभ कनौजिया की तरह. सौरभ कनौजिया 45 लेके आते थे, 42 लेके आते थे, इस बार जितने लोग निकल कर रहे थे वो चले गए, जितने लोग लापरवाही से एग्जाम दे रहे थे वो उनका 40 नहीं आएगा. इस तरीके से शेड्यूल ही किया गया था पेपर, लेकिन आकांक्षा 32 लेके आई, दैट मीन्स कोशिश कर रही है, यहां पे कंफ्यूज हुई है, 0 मार्क्स पाई है, बट इसका क्या सही आंसर होगा पता चला आकांक्षा? यस सर,
ध्यान से दीजिएगा, ये सारी चीजें डिवाइडेड बाई लिख दू, मल्टीप्लाइड बाई लिख दू, इन सब चीजों में कंफ्यूज मत हो। ये एग्जामिनेशन का काम ही है, एग्जामिनर का काम ही है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन देना कि आप गलतियां करें, लेकिन उन सब चीजों को भी ध्यान दिया करिए। फिलहाल अच्छा बेटा 32, इसको आप और भी अच्छे मार्क्स लेके आइए अगली बार। सचिन चौहान माइक ऑन करिए बेटा। सर बहुत अच्छा, 43 मेहनत कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा कर रहे हो आप लोग। अगर ऐसे आप अतुल जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स में भी आप अच्छी तरीके से इसी तरह मेहनत करते रहिए, सारा होमवर्क करिए, लर्न भी करिए, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। और आई होप कि आप अच्छी जगह पे भी आपका प्लेसमेंट वगैरह भी होगा। आप सभी का, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, गुड। सौरभ कनौजिया के बारे में डिस्कशन हो ही चुका है, क्या दोबारा डिस्कस करें, समय खराब होगा, ये तो बात करने लायक भी नहीं है। हमेशा 40 प्लस मार्क्स लाने वाला, ए प्लस कैटेगरी में आने वाला बच्चा 13 मार्क्स पाए, तो ये नहीं है कि उसको आता नहीं है। ये 48 और ये 9 आया ना, तो 9 का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसको आता नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रहा था और इनको लग रहा था कि मैं बन जाऊंगा। ये 9 कैसे आ गया, ये तो मतलब क्या बोलूं। अमन वर्मा 47 माइक ऑन करिए। यस सर। बहुत अच्छे बेटा, वेल डन, 50 में 50 लाइए, आप भी अच्छा कॉम्पिटिट कर रहे हो। तनिष्का बेटा 47 out of 50 इज ऑल्सो वेरी गुड, वेल डन तनिष्का। अमन, अनुप्रिया, दिव्या तो कहीं कहीं लापरवाही कर जाती हैं, बेवकूफ बनाती हैं, लेकिन जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है वो अपना ही नुकसान करता है, और ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता। निहारिका वर्मा ने दोबारा कैसे किया, दूसरे के मोबाइल से किया होगा, क्यों निहारिका माइक ऑन करके बताइए क्या हुआ। दूसरे मोबाइल से किया, फिर भी तो 42 मार्क्स लेके आई, तो आपने सीखा क्या। पहली बार जब आप यहाँ पे एग्जाम दी तो 40 मार्क्स पाई, जो आपके 10 गलत हुए वो आपको प्रॉपरली दिखा होगा, आपने उसको ध्यान दिया नहीं, आप उसको सीखी है नहीं, आप अपनी गलतियों से सीखना तो सीखे, ये नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे कुछ। आपको सानिका, अनुप्रिया जैसे अगर बन रहा है और जो बच्चे आपसे बेहतर मार्क्स पा रहे हैं उन जैसे अगर मार्क्स लाना है, तो इस पे अपनी कमियों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नंबर पे नहीं। ये 10 नंबर आखिर मेरे कम कैसे हो गए, क्या मैंने गलती कर दिया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। वो 10, जब आप 10 पे ध्यान देंगे तब जाके ये 10 में से आप कर पाएंगे। 42 केवल लेके आ गए इसी वजह से, क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम जो गलतियां हो उसको देखो, ये इतना मेरा कम कैसे आ गया, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता, और जो नहीं आता वो आप सर से पूछिए, मैम से पूछिए। चले ठीक है, फिलहाल कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, देवांश ने नहीं दिया था, और सानिका बेटा लाइन पे हो, शानिका ने टेस्ट ही नहीं दिया तो क्लास में छोड़ दी। ये है शानिका का, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड बिहेवियर। चलो ठीक है, मैं इनके घर पे बात करता हूँ, बताता हूँ उनको। बेटा इसमें किसी को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, एक बार क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ, 5 + 3 × 6, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 5 प्लस करना है एज पर बॉडमोस। 3 × 18 = 23 इज द करेक्ट आंसर। इसमें 8 - 8/8 मतलब यहां पे अगर मैं आपको माइनस का चिन्ह, डिवाइड का चिन्ह लगा दूं तभी थोड़ा बॉडमोस फॉलो करना है। आपको ऑपरेशंस को देखना है, यहां पे क्या, एक माइनस करना है, एक डिवाइड करना है, दो, देयर इज अ टू ऑपरेशंस। और अगर माइनस देखिए क्वेश्चन में दो बार आए, देन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, डिवाइड करना है, अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड के बाद, तो यहाँ पे डिवाइड और माइनस है, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना था, देन आपको आप जो भी आंसर आता उसको 8 में से उतना माइनस करते, तब आता आपका 7। ये आपने रॉन्ग किया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये भी आपका बॉडमोस था, आपको पहले 8 8 = 64, 8
इंटू फोर, अब पहले डिवाइड करते तो इसको आता 8, 64 बाई 8 का आंसर क्या आता 8, अब 8 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 32 आता, लेकिन देखिए चौथे नंबर पे कौन है और 13 मार्क्स पे कौन है, ये एक बच्चे ने यहाँ पे 2 आंसर लगाया और 13 नंबर सीरियल नंबर वाला बच्चा 48 लगाया है, कौन है ये दो शेर कौन है, ये 13 नंबर वाला जो शेर है ये सौरभ कनौजिया है, सौरभ कनौजिया और 4 नंबर अतुल चौहान है, इनके ऐसे नहीं 46 आ गए, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हुई, ये इतना आसान क्वेश्चन आपने रॉन्ग बता दिया, सौरभ कनौजिया तो तेज है इसलिए उन्होंने किया है, आपके ऐसे क्वेश्चन ऐसे आंसर आ गए तो आपसे तो उम्मीद नहीं थी, चलिए ठीक है इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें तो सभी लोगों ने सही किया है, चलिए ठीक है ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, पूरी तरह बॉडमोस पे ही बेस्ड था, कहीं पे कुछ ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा आपके बुक से ही भी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, सर एफ वाला बता दीजिए, कौन सा एफ वाला, फिर से पूछिए सर एफ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का नाम बताइए क्या क्वेश्चन था आपके, एट्थ क्वेश्चन हमारा एट्थ क्वेश्चन अलग अलग होगा, सबका ऑप्शन ऑर्डर इधर उधर रहता है, सबका ऑप्शन, वो क्वेश्चन कौन सा था सर एफ, देखिए अब फैक्ट्री वाला था, जैक वाला था, अनीता था, कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट शुड सर फैक्ट्री के बगल वाला, जैक हैज 4500 कि ये 23 प्लस, माइक ऑन करके बताइए जल्दी से समय खत्म हो रहा है, सौरभ यस सर यही वाला 23 प्लस 45, इसमें आपको यहाँ पे देखो प्लस भी है, डिवाइड भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45, यानी ये 45 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे, क्या बचा 23 प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, अब क्या करेंगे, डिवाइड को आपने इसको जगह पे डिवाइड करके आपने 9 लिख दिया, अब क्या करेंगे, आपको प्लस बचा है माइनस बचा है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 नहीं 4 माइनस 3 जा 4 माइनस 3 जा माइनस 12, आपको इंटीजर मैंने पढ़ाया था आपके चैप्टर में, आपकी क्लास में नहीं है इसके बावजूद कि आप लोग गलती ना करें, 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12, अब बताइए 23 प्लस 9 माइनस 12, 23 प्लस कितना 9 आया था, 23 प्लस 9 कितना हो गया आपका, हो गया 32, 32 माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा 20, लेकिन भैया ने क्या लगाया है 13 ने 20 किया है, इन्होंने क्वेश्चन वैसे पूछ लिया, ये तो आपका तुक्का मारे थे, सारा तुक्का ही मारा था, ये तो सही चला गया है आपका, जब सही चला गया तो आपको इसका मतलब आता था या तो आपने तुक्का मारा है, इसमें आपकी तो गलती ही नहीं है, क्यों सौरभ बस टाइम फिल अप कर रहे हो, एक बार क्वेश्चन दोबारा सर इस तरह इसी तरीके के सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसी तरीके से लगभग क्वेश्चन थे, अब आप ना कर पाए ना ध्यान दें, आज 9 लेके आए 5 लिख दें, जब आंख मून के ही आंसर सेलेक्ट करना है तो आपका कोई भी आंसर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, ये आंसर किसी बच्चे ने नहीं गलत किया, देखो लेकिन 13 नंबर पे कौन शेर है, 13 नंबर पे सौरभ ही तो है, 101 इंटू 22 इसको मल्टीप्लाई करना था, कितना आंसर आएगा बेटा सौरभ 123, ये कौन मल्टीप्लाई कर रहा था, ये किसने पढ़ाया बेटा, आपके सर यही पढ़ाते हैं, किस बात की फीस लेते हैं ये पढ़ाने की, कितना क्या बोलूं मैं, ये 123 कोई भी नहीं लेके आया, सारे बच्चे गलत हैं, सिर्फ एक ही सही है 123, चलिए बहुत हो गई खिंचाई, ये खिंचाई आपकी ये नहीं है कि आपको आता नहीं है, 123 मैं आपको 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है,
लेकिन ये 123 मार्क्स करने वाला है। अगर आपने एक बार पेंसिल उठा करके मल्टीप्लाई किया होता ना तो कभी भी नहीं लिखते, लेकिन आपको तो झटके में खत्म करना है, तो खत्म तो हो गया। ये 13 मार्क्स जो आप पा गए हो ना, ये आपको आता नहीं है। 13 मार्क्स आपका तुक्का, अगर मैं आंख मूंद करके सभी का एक एक ए ऑप्शन सेट कर दूं ना तो भी 10-12 नंबर आ जाएंगे। उसी तरीके से 13 मार्क्स मिला है, आपको आता नहीं है। ये आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। चलिए ठीक है, कितने लोगों ने किया, जैसा सबके सामने ही है। और फिलहाल इसी टेस्ट को बेटा आप लोग का भी जो ईमेल आईडी बनाने की प्रक्रिया है उसको मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, मोबाइल में स्पेस नहीं है। मैं बना करके हाउ टू क्रिएट द ईमेल आईडी आई वुड बी टेलिंग यू ऑल, आई वुड बी शेयरिंग द वीडियो। और हटा दिया जाएगा, वो लिमिट हटा दिया जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सर आज आप लिंक भेजेंगे? मैं बेटा पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी बना के तब ज्वाइन कर तब करना पड़ेगा। मैं लिंक पे अभी कोई भी फेर बदल नहीं करूंगा। आप सभी लोग और भी नहीं ठीक है, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय सर। दोबारा भेज सकते हैं ज्योमेट्री सर, दोबारा भी कोई नहीं कर सकता, दोबारा कोई नहीं कर सकता। जितने लोगों ने नहीं सबमिट किया है सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। जिस ईमेल आईडी से एक बार आप लोगों ने सबमिट कर दिया है वो ईमेल आईडी से आप दोबारा नहीं यूज कर सकते, सिर्फ एक बार आप यूज कर। और ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी। फिलहाल जो बच्चे अभी तक नहीं किए, जयराम, सावित्री, शानिका, वो लोग कर सकते हैं। बाकी लोग ज्योमेट्री चैप्टर के थ्योरी को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे। आपको सिर्फ एक्सरसाइज जो सॉल्व कराना है वही नहीं मेन है, उसके पहले का जो इतना 2-3 पेजेस में लिखा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके यस सर, ठीक है सर, गुड बाय एवरीवन।